نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत और तक्वा की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज इंशाल्लाह एक नए टॉपिक एक नए मौजू के साथ आयत नंबर 40 से आगाज़ करेंगे जिसमें अब बनी इसराइल से ख़िताब किया जाएगा। इससे पहले हम बनी इसराइल की थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं कि बनी इसराइल की हैसियत सबका उम्मत मुस्लिमा की थी जिनको यहाँ दावत दी जा रही है। वो भी मुसलमान ही थे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके काफिर हो गए, वरना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। शरीयत उनके पास थी, बड़े बड़े उलमा उन्हीं में से थे। आयत नंबर 40 या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया। बनी इसराइल की तरकीब को समझ लीजिए कि ये मुरक्कब इजाफी है। इसरा का माना होता है बंदा या ग़ुलाम, इसी से असीर बना है जो किसी कैदी को कहते हैं, और लफ्ज़ ईल इब्रानी ज़बान में अल्लाह के लिए आता है। चनाचा इसराइल का तर्जमा हुआ अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की अतात के कुलादे के अंदर बंदा हुआ। इसराइल लकब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। इनके 12 बेटे थे और इनसे जो नस्ल चली वो बनी इसराइल है। इन्हीं में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बासत हुई और इन्हें तौरात दी गई, फिर ये एक बहुत बड़ी उम्मत बन गए। कुरान मजीद के नज़ूल के वक्त तक इन पर अरूज जवाल के 4 अदवार आ चुके हैं। दो मरतबा इन पर अल्लाह ताला की रहमत की बारिश हुई और इन्हें अरूज नसीब हुआ, जबकि 2 मरतबा दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती और अल्लाह के अहकामात को पसे पिश्त डाल देने की सज़ा में इन पर अल्लाह ताला का गज़ब और कोड़ा बरसा। इसका जिक्र सूरह अलबनी इसराइल के पहले रुकू में आएगा। इस वक्त जबकि कुरान मजीद नाजिल हो रहा था वो अपने इस जवाल के दौर में थे। हाल ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले ही इनका माबद सानी यानी कि सेकंड टेंपल तबाह किया जा चुका था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकल सुलेमानी बनाया था, जिसको ये माबद अव्वल यानी कि फर्स्ट टेंपल कहते थे, इसे बख्त नसर ने हज़रत मसीह से भी 600 साल पहले गिरा दिया था। इसे इन्होंने दोबारा तामीर किया जो माबद सानी कहलाता है यानी कि सेकंड टेंपल, लेकिन 40 ईस्वी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले रूमियों ने हमला करके यरूशलेम को तबाह कर दिया, यहूदियों का कत्ल आम किया और जो माबद सानी उन्होंने तामीर किया था उसे भी मसमार कर दिया, जो अब तक गिरा पड़ा है। सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसके पास जाकर यहूदी मातम और गरिया वजारी कर लेते हैं और अब ये इसे दोबारा बनाने पर तुले हुए हैं। चनाचा इनके माबद सानी यानी के थर्ड टेंपल के नक्शे बन चुके हैं, इसका इब्तदाई खाका तैयार हो चुका है। बहरहाल जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त ये बहुत ही पस्ती में थे। इस वक्त इनसे फरमाया गया कि ऐ बनी इसराइल, ज़रा याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया था। वो इनाम क्या था? मैंने तुमको अपनी किताब दी, नबूवत से सरफराज फरमाया, अपनी शरीयत तुम्हें अता की, तुम्हारे अंदर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह उठाए जो बादशाह भी थे और नबी भी थे। वऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, और तुम मेरे वादे को पूरा करो ताकि मैं भी तुम्हारे वादों को पूरा करूँ। बनी इसराइल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद कर लिया था। तो रात में किताब इस्तिस्ना
सफर इस्तना के 18वें बाब की आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ख़िताब करके ये अल्फाज फरमाए, मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बरपा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही उनसे कहेगा, और जो मेरी इन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उससे इसका हिसाब लूँगा। ये तौरात के अल्फाज हैं। ये गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा था कि नबी आखरत ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और तुम्हें इनकी नबुव्वत को तस्लीम करना है। कुरान मजीद में इसका तफसीली जिक्र सूरह अल आराफ़ में आएगा। यहाँ फरमाया कि तुम मेरा अहद पूरा करो, मेरे उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करो, उस पर ईमान लाओ, उसकी सदा पर लब्बैक कहो, मेरा इनाम व करम मजीद बढ़ते चले जाएंगे। व इय्या फरहबून, और सिर्फ तुम मुझी से डरो। व आमिनु बिमा अनज़ल्तु मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, जो तस्दीक करते हुए आई है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। इन अल्फाज के दो माना हो सकते हैं, एक तो ये कि ईमान लाओ इस कुरान पर जो तस्दीक करता है तौरात की और इंजील की। कुरान मजीद में फरमाया गया इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदं व नूर, सूरह अलमाईदा आयत नंबर 44। हमने नाजिल की तौरात जिसमें हिदायत और रोशनी थी। فَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, سورہ المائدہ آیت نمبر 46۔ اور ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو دی انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصادق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھیں، ورنہ پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, और तुम ही सबसे पहले इसका कुफर करने वालों में से ना बन जाना, यानी कुरान की तकजीब करने वालों में से अव्वल मत हो। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम जानते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तुम तो आखिरी नबी के इंतज़ार में थे और उस हवाले से दुआएँ किया करते थे कि ए अल्लाह, नबी आखिर ज़मान के वास्ते हमारी मदद फरमा और काफिरों के मुकाबले हमें फतह अता फरमा। ये मज़मून आगे चलकर इसी सूरह अल-बकरा में आएगा। लेकिन अब तुम ही इसके अव्वलीन मुनकर हो गए और तुम ही इसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए हो। वला तश्तरु बिआयाति थमनन क़लीला, और मेरी आयात के इवज हकीर कीमत कबूल न करो। ये आयात इलाहियाँ हैं और तुम इनको सिर्फ इसलिए रद्द कर रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी हैस और तुम्हारी जो दराहटों पर कोई आंच ना आए। ये तो हकीर सी चीज़ें हैं, ये सिर्फ इस दुनिया का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं। वइय्या फत्तकून, और सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, मुझी से बचते रहो। तो ये दो आयात की तफसीर थी और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी कि मैं आपको खोल खोल कर तमाम वाक़ियात समेत इनको समझाऊँ। उम्मीद है कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया होगा। अल्लाह ताला मेरी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।